एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हेतर पोर्टलाइन हिचकी। जैसे कि आपने लास्ट मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैं साड़ी रीयूज का जो प्रोजेक्ट लेकर आई थी, आज वैसी ही एक साड़ी लेकर आई हूँ और वो उन्हीं क्लाइंट की है जो ऐसे दो कलर में थी। ये था पल्लू पोर्शन और ये था हम प्लीटेड पार्ट जो लेते हैं वो वाला। तो उसमें से उन्होंने चाहा था कि उनकी बेटी के लिए एज यूजल गरारा बनाया जाए, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। तो चलिए आपको दिखाती हूँ जो गरारा बन के रेडी हुआ है वो कुछ इस तरह से बना है। तो आप देख सकते हैं ये है गरारा दो कलर में, क्योंकि साड़ी भी जो थी दो कलर में थी। तो ये है ऊपर का पार्ट और ये है नीचे गैदर्स का पार्ट। इस तरह से ये इनकी साड़ी में नीचे एम्ब्रॉयडरी थी, तो वो पार्ट हमने कट करते हुए यहाँ पे ही जो है ले लिया है। और इस तरह से ये कुछ दिखता है। ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है तो इसलिए हमने इसके अंदर जो लाइनिंग यूज़ करी है वो बटर क्रेप मटेरियल की यूज़ करी है, क्योंकि कॉटन की समटाइम्स करने से वो है ना जो स्टिक हो जाती है, उस पर चिपक जाती है, तो वो चलने में फिर इजी नहीं होता है। इसलिए हम बटर क्रेप की ही इस टाइप के मटेरियल में जो है लाइनिंग यूज़ करते हैं। और उसके ऊपर हमने कुछ जो बनाया है वो टॉप इस टाइप का पेपलम टॉप जैसा बनाया है, जो यहाँ से स्लिट कट है, दोनों ही साइड में ओपन रखा है। और उनकी साड़ी में जो पल्लू में बॉर्डर थी वो हमने यहाँ पे इस तरह से अटैच कर दी है, ताकि वो बेबी छोटी है और जब पहनती है तो ये पार्ट थोड़ा हाईलाइट होता है और अच्छा भी दिखता है। और ऊपर उनको इस तरह से डोरी चाहिए थी ताकि इसको एज अ बो की तरह वो यहाँ से टाई कर सके और यहाँ पे अच्छा सा कुछ लगे। तो इस तरह से उनका ये ड्रेस है उनकी बेबी के लिए रेडी हुआ है, गरारा विथ पेपलम टॉप। इस गरारा को वो डिफरेंट वे में भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर वो लॉन्ग कुर्ती भी अपनी बेबी को वेयर करा सकते हैं, और इसके ऊपर आप जैसे जानते हैं फैंसी ब्लाउज निकले हैं शर्ट टाइप के कुछ, वो भी उसके ऊपर वो जो है वेयर करा सकती है। तो ये इनका ये डिफरेंट डिफरेंट में यूज हो जाएगा। और इस पेपलम टॉप का भी वो किसी घाघरा के नीचे या फिर धोती के नीचे वो वेयर कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है छोटी बेबी का ड्रेस रेडी हुआ है। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।